अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और आप यूट्यूब से पैसा अर्न करना चाहते हैं, अगर आपके बड़े सपने हैं और आप चाहते हैं कि आप काम कर लें और आप थोड़े से शर्मीले हैं कि बाहर जाके लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि आप घर में कंफर्ट है, कैमरे के सामने अकेले आप अच्छे से बोल लेते हैं, चार लोगों के सामने मतलब स्टेज फ्रेड है, आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, तो आज की वीडियो आपके लिए कि आप यूट्यूब चैनल चला के लाखों करोड़ों कमा सकते हैं और बहुत अच्छे से। आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि आप अपने चैनल को ग्रो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नए जो यूट्यूबर होते हैं उनके सामने दो मेन चैलेंजेस होते हैं, बल्कि पहले नंबर पे तो एक ही मेन चैलेंज होता है कि कौन से टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, और दूसरा एक चैलेंज होता है कि हमारे पास सब्सक्राइबर्स कैसे आएंगे। मेन उनका जो टेंशन होती है सबसे बड़ी, तो सब्सक्राइबर वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो वो देख लीजिएगा कि सब्सक्राइबर कैसे आपको मिलते हैं, 1000 सब्सक्राइबर कितनी जल्दी कब कैसे मिलेंगे, सब्सक्राइबर वाली वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे। आज मैं आपके सामने यूट्यूब को ग्रो करने के 3 टिप्स शेयर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इनको चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा, 3 है बट मैं दूंगा आपको 6 एक्स्ट्रा में दूंगा जो आपके बोनस टिप है। तो नंबर 1 पे है कि आपको डेली वीडियो अपलोड करना होती है ना, रूल्स ऑफ सक्सेस क्या है, नंबर 1 शो अप। शो अप मतलब दिखना, कि आपको डेली जाना है, डेली दुकान पे जाना है, डेली काम करना है, रोज रोज काम करना होता है अगर आप चाहते हैं चैनल आपका ग्रो कर जाए बहुत तेजी में, बहुत फास्ट। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर पे आपको करना क्या है, आपको डेली वीडियो अपलोड करना है। और डेली वीडियो कितनी बार अपलोड करना है, हमें जितनी बार कर सकते हैं करें, ज्यादा ज्यादा। यूट्यूब पे कोई बाउंडेशन नहीं है, इस पर आपको कोई मना नहीं करता कि आप 100 200, मैंने अक्सर वीडियो देखी, जितनी ज्यादा वीडियो अपलोड करेंगे उतना ज्यादा आपका चैनल ग्रो करेगा, क्योंकि लेकिन वीडियो में क्वालिटी हो, अच्छी हो। मैं नहीं कहता हूं कि आप शुरुआत में 10 10 5 5 वीडियो, लेकिन आप कंसिस्टेंसी मतलब डेली वीडियो आपको अपलोड करना है, आप जितनी ज्यादा कर सकते हो अच्छी वीडियो हो। और सबसे बड़ी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब लोगों की अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप जल्दी ग्रो करेंगे, लोग आपको सब्सक्राइब भी करेंगे क्योंकि उनको उनके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना। और आप धनाधन ज्यादा ज्यादा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 10x 10 गुना ज्यादा आप अपने आपको 10 10 वीडियो आप रोज अपलोड करेंगे, समझ लीजिए चैनल आपका उड़ेगा उड़ेगा, बिलीव मानिए। नहीं तो 3 तो करिए ही करिए, एक सुबह एक दोपहर एक शाम, जैसे खाना खाते हैं ना 3 टाइम, तो ऐसे आप 3 तो करिए, 3 नहीं कर सकते तो 2 तो हर हाल में करना ही करना है, डेली वीडियो अपलोड डेली। अगर वो नहीं देखी वीडियो तो वो देख लीजिएगा, डेली वीडियो अपलोड करने से क्या फायदा होता है, वो वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, वो देख लीजिएगा। और नहीं तो एक वीडियो तो रोज अपलोड करना है, क्योंकि गूगल को पता होना चाहिए ना कि आप एक्टिव है कि इनएक्टिव है, आपने 4 दिन 5 दिन बाद वीडियो अपलोड करी उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि आप बहुत बड़े क्रिएटर तो है नहीं और आपके पास बहुत ज्यादा ऑडियंस तो है नहीं मिलियंस में, तो अभी क्या, अभी स्टार्टिंग में आपको बांधना है, तो लोग आपको डेली चाहिए, मतलब सीक्वेंस है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सीजन वाले नाटक जो है सारे लोड कर लेते हैं और एक ही बार में देख, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भूखे हैं, जिनको कंटेंट की जरूरत है, जिनको अच्छा मटेरियल चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, अच्छे मेंटर चाहिए। तो नाशुक्रों को छोड़ते रहिए, एहसान फरामोशों को, शुक्रगुजारों को पकड़िए, जो अच्छे लोग हैं, जो आपकी वैल्यू करते हैं, जो आपको समझते हैं, तो आप उनके साथ में आप अपने आप को और अपने कंटेंट को शेयर कीजिए। जब आप उनके साथ में सारी चीजें शेयर करेंगे और अपना अपने आप दायरा बढ़ा देंगे लोगों से, मतलब अभी आप एक वीडियो लोड करते थे, फिर आपने क्या किया, आपने 4 5 वीडियो लोड करने लगे, 3 तो करना ही करना है, ज्यादा ज्यादा वीडियो लोड करेंगे। और नंबर 2 पे है आपका थंबनेल। थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थंबनेल ही है जिसपे आप क्लिक करेंगे देख के, जिसको देख के लगे, थंबनेल ही पूरी कहानी आपकी बता दे कि वीडियो में क्या है। और तीसरा है इंगेजमेंट, कि आपको वीडियो में इंगेजमेंट रखना है, मतलब वॉच टाइम। आपने देखा ना यूट्यूब ने शर्त रखी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर, तो वॉच आवर क्यों उसने शर्त रखी, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पे ज्यादा देर तक, क्योंकि यूट्यूब चाहता है कि लोग आपकी वीडियो पे और यूट्यूब पे ज्यादा टाइम स्पेंड करें, तो आपकी वीडियो में अगर वो कंटेंट होगा, वो क्वालिटी होगी जिसमें लोगों को होल्ड करके आप रख सकते हैं, है ना, हुक करके रख सकते हैं, आप लोगों को रोक के रख सकते हैं, इंगेजमेंट है ना, तो आपकी आपका चैनल सब्सक्राइब होने से और ग्रो करने से कोई रोक सकता। और चौथी चीज क्या है कि आप वैल्यू क्रिएट करें, मतलब ज्यादातर यही बोलते हैं लोग कि वैल्यू क्रिएट करें, लेकिन वैल्यू का मतलब होता है मेरी लैंग्वेज में कि किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करें, हेल्प करें। आप किसी को जब किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि कौन कैसे क्या कर सकता है आसानी से, कम टाइम में, कम पैसे में, कम रिसोर्सेज में, कम खर्चे में, तो वो आपको जल्दी पकड़ेगा। और बहुत से लोग हैं जो बहुत परेशान है बेचारे, 2 2 3 3 साल से, तो अगर आप किसी का चैनल प्रमोट कर सकते हैं तो प्रमोट करें। मैं चैनल प्रमोट कर सकता हूं, मेरे साथ में जो लोग कोलैब करना चाहते हैं कोलैब कर सकते हैं, छोटे यूट्यूबर हों, बड़े यूट्यूबर हों, कोई भी हूँ, मैं सबके साथ में काम करने को तैयार हूँ। क्रिमिनल हों, कोई हूँ, सबके साथ में मैं अग्री रहता हूँ काम करने। बस मैं एक चीज देखता हूँ, एटीट्यूड, उनके अंदर एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी किल करती है। आई डोंट लाइक नेगेटिव पीपल, कंप्लेनिंग पीपल, मुझे चाहिए पॉजिटिव जो एनर्जी दें और एनर्जी चूसे ना। एक होते हैं एनर्जी सकर, जो एनर्जी आपकी चूस लेते हैं, आप काम करने जा रहे हो आपको पता है मुरझा दें, घुसेड़ दें,
और एक होते हैं जो आप मरे हुए में भी जान डाल दें, है ना, तो वो लोग मुझे चाहिए जो पुश करें, जो आगे बढ़ाएं, उठाएं। तो इस तरीके से आप अपने चैनल को बहुत तेजी में ग्रो कर सकते हैं और एक टॉपिक सिलेक्ट करें और उस पर जुड़ जाएं आंख बंद करके, बिल्कुल बिंदास। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत।